हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में क्लास 9 चैप्टर सेविल एक्सरसाइज 7.3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पे करेंगे, 4 से इसमें। तो इसमें क्या है, बीई एंड सीएफ आर टू इक्वल एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी। इसमें फिगर नहीं बना है, तो फिगर कैसे बनाएंगे, इधर बोर्ड पे देखेंगे आप। तो फिगर बनाएंगे, ट्रायंगल एबीसी ले लो आप। ये ट्रायंगल क्या ले लिया आपने, बोलो, एबीसी, ए बी सी ले लिया। BE and CF are two equal altitudes. BE altitude है, ये BE क्या है बोलो, altitude है, और CF भी altitude है। ये ऐसा क्वेश्चन आपने पहले कर रखा है। तो BE and CF are two equal altitudes, तो given में क्या आएगा, given में आएगा A BE equal to CF, equal altitudes है, equal altitudes है यहाँ पर, B equal to CF, and क्या लिखेंगे, BE, comma CF are altitude, उल्टा की बना के कर दो, तो altitudes हैं, तो altitudes हैं वो 90 degree के angle बनाएंगे दोनों तरफ, और equal भी हैं, BE किसके ऊपर है बोलो, CF के ऊपर, BE किसके ऊपर है, CF के ऊपर, using RHS, उन्होंने special कहा है। कौन सी कंडीशन लगानी है, RHS का मतलब राइट एंगल हाइपोटेन्यूज और साइड, ये लगाने हैं। कॉन्ग्रुएंस रूल, प्रूव दैट द ट्रायंगल एबीसी इज एन आइसोसेलिस ट्रायंगल। कैसा ट्रायंगल बताना है, आइसोसेलिस, तो प्रूव दैट में क्या आएगा, प्रूव दैट ट्रायंगल एबीसी इज एन, कौन सा ट्रायंगल बताना है, आइसोसेलिस ट्रायंगल, आइसोसेलिस लिखने के लिए हम आपको टाइम देंगे, लिखेंगे तो पहले समझ में नहीं आएगा। आप देखो यहाँ पर हाइपोटेन्यूज 90 डिग्री का ये है कि नहीं बोलो, ये 90 डिग्री है, तो इसमें आप कौन से वो दे लो, आप यहाँ पर आप ये देखिए, ये वाले आप ले लीजिए, आप कौन से ट्रायंगल लो, ये लो ये वाले बीसी, ये वाला ट्रायंगल, समझ में आ गया, और दूसरा ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल ले लो, हैव यू गॉट इट, दो इसमें क्या आएगा, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज इक्वल आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज इक्वल आ जाएगा, और ये एंगल 90 डिग्री आ जाएंगे, और BC कॉमन आ गया, तो RHS और इसमें BE इक्वल आएगा, समझ में आ रहा है ना, BE CF के इक्वल आ गया कि नहीं आ गया, और ये कॉमन साइड आ गई जो हाइपोटेन्यूज होगा, तो यहाँ पर कौन से ट्रायंगल लेंगे, प्रूफ में आप देखिए, यहाँ पर देखिए जरा ध्यान से, एना ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल लो आप, कहां से शुरू कर रहे हैं आप, एफ से शुरू कर दो, एफ बी सी एंड ट्रायंगल, या एफ से शुरू किया तो इसे कहां से शुरू करेंगे, ई से, ई सी भी हमारे साथ जुड़े रहो, बातें करोगे समझ में नहीं आएगा, एंगल ई और एंगल एफ कितना होगा, 90 डिग्री ईच, क्यों है, एक परपेंडिकुलर से, क्या है ये, इसी क्या यूज करेंगे, परपेंडिकुलर, एटीट्यूड को परपेंडिकुलर बोल सकते हैं ना, ये है। तो एक आपका फैक्ट आ गया, और दूसरा क्या ले लें आप, बीसी इक्वल टू बीसी कॉमन, देखिए बीसी बीसी ट्रायंगल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बीसी में बीसी कॉमन साइड हो गई, और BE इज इक्वल टू CF, BE इज इक्वल टू CF, ये गिवन आ गया, ये गिवन है, सो देयरफॉर ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल जो आपने नाम लिया था FBC इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ECB बाय RHS, इन्होंने बोला था RHS कॉन्ग्रुएंस रूल। अब यहां R का मतलब राइट एंगल, दो राइट एंगल हो गए, H का
का मतलब हाइपोटेन्यूज, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज मिल गया और एक साइड BECM मिल गया। कंपोनेंट मिलने से आपको यहां पर एक चीज मिल जाएगी, एंगल B इक्वल टू एंगल C बाय CPCT बाय CPCT, और CPCT हमेशा लगती है कंपोनेंसी के बाद, B के साथ C, B लाइन बीच में है और C बीच में है, मतलब FBC और ECB को कट करोगे, एक दूसरे को सुपरपोज करोगे तो इसके ऊपर B के ऊपर C आएगा। जब दो एंगल्स इक्वल है तो उनके अपोजिट साइड्स भी इक्वल आएंगे, तो एंगल B ये इक्वल आ गया, किसके इक्वल आ गया, C के, तो एंगल B की अपोजिट साइड क्या आएगी, AC, और एंगल C की अपोजिट साइड क्या आएगी, AB। तो यहाँ क्या इक्वल हुए, साइड्स इक्वल हुए, क्या इक्वल हुए, साइड, तो यहाँ पर लिखेंगे साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। जब किसी ट्रायंगल की दो साइड्स इक्वल हो जाए तो हम उसे क्या बोलेंगे, देयरफॉर ट्रायंगल ABCA एंड क्या हो गया बोलो, आइसोसेलीस ट्रायंगल टू। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5, ABC is an isosceles triangle. ABC is an isosceles triangle given with AB equal to AC. AB और AC equal है, given है, और AP perpendicular BC. उन्होंने कहा है कि AP perpendicular है, किस पे है, BC पे, ये given है, ये given है, तो given में क्या आ गया, AB equal to AC, AB equal to AC, isosceles triangle given है, AP perpendicular BC given है, दोनों तरफ 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। अब आपको बताना है ST, ST का मतलब so that, क्या बताना है, एंगल B ये वाला किसके इक्वल होगा, एंगल C के, लेकिन अभी दिया नहीं है, आपको बताना पड़ेगा, तो आप जुड़िए, कनेक्टिविटी रखिए, फिर आप देखिए, आप यहाँ से प्रूव लिखेंगे, प्रूव, प्रूव में इन अ ट्रायंगल, यहाँ कोई कंडीशन तो नहीं दी उन्होंने, RHS लेना है ऐसा तो नहीं कहा, कोई भी कंडीशन लगा सकते हैं, तो इसमें सबसे बेटर है आपका APB, इनर ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल APC, APC सिमेट्री होनी चाहिए, सिमेट्री का मतलब A से P पर आए थे तब B पे मुड़े, तो अब A से P पे आके C के मुड़ेंगे, सिमेट्री आ गई, तो यहाँ पर देखिए हमें तीन फैक्टर चाहिए, थ्री फैक्टर्स चाहिए, मतलब तीन पार्ट्स चाहिए, सिक्स पार्ट्स होते हैं ना किसी के अंदर, ट्रायंगल के अंदर कितने पार्ट्स होते हैं, सिक्स, उनमें से कोई हम तीन ले लें, तो देखिए आप AP, AP is equal to AP, इसके लिए क्या लिखेंगे आप, ये कॉमन साइड है, और AB is equal to AC, ये गिवन है, ये क्या है, गिवन है, इसको एंगल 1 दे दो, इसको एंगल 2 दे दो, एंगल 1 is equal to एंगल 2, 90 डिग्री इज परपेंडिकुलर से या एल्टीट्यूड से, इसको क्या प्रोनंसिएशन करेंगे, क्या ही करेंगे, परपेंडिकुलर का सिंबल है, परपेंडिकुलर हमेशा क्या करते हैं, परपेंडिकुलर ऑल ऑलवेज मेक्स एंगल 90 डिग्री बोथ द साइड्स, ओके, तो यहां पर आपका इट इंप्लाइज देयरफॉर ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, एपीबी जो ऊपर नाम दिया है वही इज कंपोनेंट ट्रायंगल, यही ऑर्डर में चलो एपीसी। अब यहां सिलेक्ट करो कि कौन सी कंडीशन लगी, तो कौन सी कंडीशन लग गई यहाँ पर, हाइपोटेन्यूज साइड एंड राइट एंगल, तो यहाँ पर क्या लग गया, RHS, इसको कॉन्कुरेंस रूल बोलिए या कॉन्कुरेंस कंडीशन या कॉन्कुरेंस क्राइटेरिया कुछ भी बोल सकते हो। अब जब ये कॉन्कुरेंट हो गए, अब जब ये कॉन्कुरेंट हो गए तो अब बाय CPCT लग जाएगा, corresponding parts of congruent triangles will be equal, fold करो तो, fold करोगे तो B के ऊपर C आ रहा है ना, तो यहाँ पर B कहाँ है, last में, यहाँ B कहाँ है, last में, तो हमारी continuity मिल रही है, order मिल रहा है ना, symmetry मिल रही है, therefore angle B equal to क्या होगा, angle C by CPCD by CPCD, corresponding parts of congruent triangles will be equal always, so hence proved, क्या लिखेंगे यहाँ पर, hence
प्रूव। इस तरीके से हमने इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर फोर्थ और फिफ्थ एक्सरसाइज 7.3 के किए। तो इस तरीके से हमारी एक्सरसाइज फिनिश। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स गॉड। जय हिंद।